आज के इस वीडियो में मानव शरीर के विभिन्न जोड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रेक्षापयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूं। मैंने इस वीडियो में मानव शरीर के विभिन्न जोड़ों से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चनों को आपके लिए लिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, गति के आधार पर मानव शरीर के जोड़ों को मुख्यतया कितने वर्गों में बांटा गया है? गति के आधार पर मानव शरीर के जोड़ों को मुख्यतया कितने वर्गों में बांटा गया है? चार ऑप्शन हैं, 4, 5, 2, 3। इनमें से सही आंसर है 3। गति के आधार पर मानव शरीर के जोड़ों को मुख्यतया 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक इमोवेबल ज्वाइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, तीसरा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर गेंद गड्ढा जोड़ पाया जाता है? इनमें से किस स्थान पर गेंद गड्ढा जोड़ पाया जाता है? चार ऑप्शन हैं, कूल्हे में, कलाई में, घुटने में या छाती में। इनमें से सही आंसर है कूल्हे में। गेंद गड्ढा जोड़ पाया जाता है कूल्हे में। अगला क्वेश्चन है, हाथ के अंगूठे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? हाथ के अंगूठे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? चार ऑप्शन हैं, कीलदार जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, हिंज जोड़ या कांठीदार जोड़। इनमें से सही आंसर है कांठीदार जोड़। हाथ के अंगूठे में पाए जाने वाले जोड़ को कांठीदार जोड़ कहा जाता है, इसलिए सही आंसर हुआ कांठीदार जोड़। अगला क्वेश्चन है, सिर को गति देने के लिए कौन सा जोड़ उत्तरदायी है? इसके लिए चार ऑप्शन है, हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ए और बी दोनों। इनमें से सही आंसर है पिवोट ज्वाइंट। सिर को गति देने वाला ज्वाइंट है पिवोट ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है, दांतों में कौन सा जोड़ पाया जाता है? दांतों में कौन सा जोड़ पाया जाता है? चार ऑप्शन हैं, कॉर्डिलॉइड जोड़, पेग एंड सॉकेट, पिवोट जोड़, सूचर जोड़। इनमें से सही आंसर है पेग एंड सॉकेट। दांतों में पाए जाने वाले जोड़ को पेग एंड सॉकेट जोड़ कहा जाता है, इसलिए दांतों में पाए जाने वाला जोड़ है पेग एंड सॉकेट जोड़। अगला क्वेश्चन है, अर्धचल संधि का दूसरा नाम है, अर्धचल संधि का दूसरा नाम है क्या है? डायर्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस, ऑस्टियोथ्रोसिस, ये सभी। इनमें से सही आंसर है एम्फियार्थ्रोसिस। अर्धचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम है एम्फियार्थ्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? चार ऑप्शन हैं, 3, 7, 4, 6। इनमें से सही आंसर है 6। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के पास हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? जोड़ों के पास हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? इसके लिए चार ऑप्शन हैं, कार्टिलेज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें से सही आंसर है कार्टिलेज। जोड़ों के पास हड्डियां कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसलिए सही आंसर हुआ कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? चार ऑप्शन हैं, कोहनी का जोड़, टखने का जोड़, उंगली का जोड़ या घुटने का जोड़। इनमें से सही आंसर है घुटने का जोड़। मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है घुटने का जोड़। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिवोट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? चार ऑप्शन हैं, अल्ना और कार्पल्स के मध्य, एटलस और एक्सिस के मध्य, स्केफॉइड और लूनेट के मध्य, रेडियस और अल्ना के मध्य। सही आंसर है एटलस और एक्सिस के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पिवोट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के मध्य पाया जाता है, सही आंसर हुआ एटलस और एक्सिस के मध्य। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस प्रकार के जोड़ों की अधिकता है? चार ऑप्शन हैं, अचल, अर्धचल,
मुक्तताचल इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मुक्तताचल। मानव शरीर में मुक्तताचल प्रकार के जोड़ों की अधिकता है, इसलिए सही आंसर हुआ मुक्तताचल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असीमित गति वाला जोड़ है? निम्न में से कौन सा असीमित गति वाला जोड़ है, कौन सा है? चार ऑप्शन है, कांठीदार जोड़, कीलदार जोड़, गेंद गड्ढा जोड़, उपरोक्त सभी। इनमें से सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस प्रकार के जोड़ों की अल्पता है? मानव शरीर में किस प्रकार के जोड़ों की अल्पता है? सही आंसर है अचल। मानव शरीर में किस प्रकार के जोड़ों की अल्पता है, यानी कि किस प्रकार के जोड़ सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो हैं अचल। सही आंसर हुआ अचल। अगला क्वेश्चन है, कीलदार संधि का दूसरा नाम क्या है? कीलदार संधि का दूसरा नाम क्या है? चार ऑप्शन हैं, पिवोट संधि, धुराग्र संधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कीलदार संधि का दूसरा नाम है पिवोट संधि या धुराग्र संधि, इसलिए सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस जोड़ की हड्डी 360 डिग्री में घूम सकती है? किस जोड़ की हड्डी 360 डिग्री में घूम सकती है? किस जोड़ की? चार ऑप्शन है, हिंज जोड़, बॉल एवं सॉकेट जोड़, कॉर्डिलॉइड जोड़ और ग्लाइडिंग जोड़। इनमें से सही आंसर है बॉल एवं सॉकेट जोड़। बॉल एवं सॉकेट जोड़ की हड्डी 360 डिग्री में घूम सकती है, इसलिए सही आंसर हुआ बॉल एवं सॉकेट जोड़। अगला क्वेश्चन है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन हैं, कलाई में, घुटने में, कंधे में, सिर में। इनमें से सही आंसर है सिर में। अचल संधि सिर में पाई जाती है, इसलिए सही आंसर हुआ सिर में। अगला क्वेश्चन है, डायरथ्रोसिस किस संधि का उपनाम है? डायरथ्रोसिस किस संधि का उपनाम है? चार ऑप्शन हैं, इमोबेबल ज्वाइंट्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, इन सभी का। सही आंसर है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। डायरथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोवियल जोड़ किस प्रकार के जोड़ों का दूसरा नाम है? साइनोवियल जोड़ किस प्रकार के जोड़ों का दूसरा नाम है? चार ऑप्शन है, अचल जोड़, चल जोड़, अर्धचल जोड़, इन सभी का। इनमें से सही आंसर है चल जोड़। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत संधि या जोड़ों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत संधि अर्थात जोड़ों का अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, स्टेरोलॉजी, सिंथोलॉजी। इनमें से सही आंसर है ऑर्थोलॉजी। विज्ञान की शाखा ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत संधि अर्थात जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उंगलियों का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? उंगलियों का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? चार ऑप्शन हैं, पिवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कॉर्डिलॉइड ज्वाइंट। इनमें से सही आंसर है हिंज ज्वाइंट। उंगलियों का जोड़ हिंज ज्वाइंट के जोड़ का उदाहरण है, इसलिए सही आंसर हुआ हिंज ज्वाइंट। उंगलियों का जोड़ हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है, जबकि अंगूठे का जोड़ कांठीदार जोड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, केवल एक ओर गति कर सकने वाले जोड़ हैं। केवल एक ओर गति कर सकने वाले जोड़ हैं, कौन हैं? चार ऑप्शन हैं, कोहनी का जोड़, उंगलियों का जोड़, घुटने का जोड़, ये सभी। इनमें से सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुक्तता चल जोड़ का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मुक्तता चल जोड़ का उदाहरण नहीं है?
चार ऑप्शन हैं, सैडल जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, पिवोट जोड़, स्यूचर जोड़। इनमें से सही आंसर है स्यूचर जोड़। अगला क्वेश्चन है, अंगुली की संधि किस गति को करने में असमर्थ है। अंगुली की संधि किस गति को करने में असमर्थ है। चार ऑप्शन हैं, घूर्णन, आकुंचन, विस्तारण, ये सभी। इनमें से सही आंसर है घूर्णन। अंगुली की संधि घूर्णन गति को करने में असमर्थ है, इसलिए सही आंसर हुआ घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है। हड्डियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है। चार ऑप्शन हैं, साइनोवियल द्रव, सिंजॉइड द्रव, एसिटिक एसिड, इंसुलिन। इनमें से सही आंसर है साइनोवियल द्रव। हड्डियों के जोड़ में पाए जाने वाले द्रव को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। सही आंसर हुआ साइनोवियल द्रव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कलाई की संधि है। निम्न में से कौन सी कलाई की संधि है। चार ऑप्शन हैं, कोडोलॉइड ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट। इनमें से सही आंसर है कोडोलॉइड ज्वाइंट, यानी कि कॉर्डिलॉइड ज्वाइंट। यहाँ पे कोडो गलत छपा हुआ है, इसको कॉर्डिलॉइड ज्वाइंट पढ़ा जाए। सही आंसर हुआ कॉर्डिलॉइड ज्वाइंट। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।